दोस्तों Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जो 2017 में इंडिया में नंबर वन ब्रांड था और लगता है 2018 में भी ये ब्रांड नंबर वन करके ही ईयर एंड करेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे आज कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा Xiaomi के स्मार्टफोन के बीच में। अगर आप एक Xiaomi का लवर हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए कुछ कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे Xiaomi के लवर होते हैं जो कुछ Xiaomi के बारे में कुछ भी कह दिया तो गाली बकने से नहीं रुकते। दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखिए, तब आकर जाकर आप पता कर सकते हैं कि Xiaomi का मैं ऐसा आपको क्यों बोलने वाला हूँ कि टॉप 5 ऐसे प्रॉब्लम जो हर Xiaomi के यूजर को फेस करना पड़ता है। अगर आप एक Xiaomi का फ़ोन लेना भी चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो Xiaomi का जो पहला प्रॉब्लम है जो सारे यूजर आप फेस करना पड़ता है, Xiaomi के डिस्प्ले क्वालिटी। दोस्तों Xiaomi के डिस्प्ले क्वालिटी में आपको ये बात नहीं कर रहा हूँ कि Xiaomi के पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ अलग तरह से स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो Xiaomi हमेशा जो भी स्क्रीन देता है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज नहीं करता है। हालांकि जो MI A1 था, Redmi का Note 5 Pro था, Redmi का Note 5 था, कंपनी ने ऐसा बोला है कि यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, कहीं पर भी मेंशन नहीं करते। इसलिए एक डाउन पॉइंट भी बनता है, क्योंकि Xiaomi के ज़्यादातर फ़ोन मैं जब यूज करता हूँ, मेरे दोस्त लोग के जितने भी Xiaomi फ़ोन है सारे का सारे स्क्रीन 90% टूटे हुए ही रहते हैं। तो Xiaomi के जो डिस्प्ले का जो क्वालिटी होता है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है। क्यों नहीं लग रहा है, जो Xiaomi के प्रोडक्ट होते हैं Xiaomi इतना ज़्यादा आपको कॉस्ट कम करके आप कॉस्ट कटिंग करके देता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में कहीं ना कहीं जो LCD का जो क्वालिटी होता है कहीं ना कहीं Xiaomi कंप्रोमाइज़ करता है अपनी स्क्रीन क्वालिटी में। कि दोस्तों मैं मानता हूँ Xiaomi फ़ोन के जो स्क्रीन का जो क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है, फुल HD का आपको डिस्प्ले मिलता है, जो 720p का डिस्प्ले आपको बिलो 10,000 के रुपीज़ के अंदर आपको मिलता है, स्क्रीन का क्वालिटी तो अच्छा होता है, लेकिन स्क्रीन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। अब अगर 1 मीटर से भी Xiaomi के फ़ोन को फेंकते हैं तो स्क्रीन टूटना बिल्कुल तय है। Redmi Note 5 Pro हो या MI A1 हो या जितने भी आपको Xiaomi के ज़्यादातर फ़ोन में, आपको मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो Xiaomi के 30,000 रुपीज़ वाले फ़ोन MI मिक्स होते हैं, MI 8 जो आने वाला है, ऐसे स्मार्टफोन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं Xiaomi के स्मार्टफोन में बात कर रहा हूँ MI 5S से लेकर Redmi Note 5 Pro तक, जो भी स्मार्टफोन आपको मिड रेंज स्मार्टफोन रेंज में आपको देखने को मिलता है इतना ज़्यादा आपको स्क्रीन का क्वालिटी नहीं मिलता है। तो Xiaomi का स्मार्टफोन में जो दूसरा प्रॉब्लम होता है, मैं मानता हूँ आप भी उस पर सहमत होंगे कि Xiaomi के फ़ोन में ज़्यादातर आपको ओवरहीटिंग इशू तो जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि सारे फ़ोन ओवरहीटिंग नहीं होते, हालांकि मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ Honor का 9i वो भी थोड़ा बहुत हीटअप होता है, लेकिन Xiaomi के स्मार्टफोन में मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत जो क्वालिटी होता है इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, इसलिए Xiaomi के स्मार्टफोन में आपको बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। मैं Xiaomi का जो पहला हैंडसेट मैंने यूज किया था, मेरे एक दोस्त लाया था Redmi का 1S स्मार्टफोन, आपको याद होगा 6,000 रुपीस में आपको पहला 2013 आसपास, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं लेकिन 2013 के आसपास 14 के आसपास ऐसा कुछ 14 होगा शायद, जो Xiaomi लॉन्च किया था, बहुत ही ज़्यादा आपको हीटिंग इशू आपको देखने को मिलता था, वो तो बिल्कुल हीटर था। हालांकि Xiaomi के जो हीटिंग इशू अभी के स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत कमने लगा है, लेकिन अभी भी Redmi Note 5 Pro में, MI A1 में और Redmi का ज़्यादातर फ़ोन में आपको हीटिंग इशू तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना पड़ता है। दोस्तों जो मैं आज आपको तीसरा इशू बोलने वाला हूँ, अगर आप एक Xiaomi का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको भी पता होगा Xiaomi का फ़ोन का इंटरनेट स्पीड दूसरे स्मार्टफोन के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ही रहता है। दोस्तों आप मेरा मत सुनिए, आप खुद ही अगर Xiaomi का हैंडसेट यूज करते हैं तो, अगर आप Honor का हैंडसेट, Motorola का हैंडसेट, Lenovo का हैंडसेट, Samsung का हैंडसेट यूज करते हैं, उनमें स्पीड टेस्ट को ऑन कीजिए और Xiaomi के हैंडसेट में आप स्पीड टेस्ट को ऑन कीजिए, आप देखेंगे आपसे तकरीबन थोड़ा बहुत आपको स्पीड डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 625 आपको अगर Motorola के साइड में भी मिल रहा है और Redmi का Note 5 में भी मिल रहा है आपको स्नैपड्रैगन का 625, लेकिन जो Xiaomi का स्मार्टफोन होता है जो इंटरनेट स्पीड होता है इतना अच्छा नहीं होता। मैं ऐसे क्यों हो रहा है मुझे ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि Xiaomi के हैंडसेट में आपको इंटरनेट स्पीड दूसरे कंपनी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप मेरे भी नहीं मानते, आप खुद ही ट्राई कीजिए, अपने अगर Xiaomi का फ़ोन यूज करते हैं दूसरे स्मार्टफोन के साथ Xiaomi के स्मार्टफोन में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन आप करके देख सकते हैं, आपको डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि Xiaomi के हैंडसेट में आपको इंटरनेट स्पीड थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो Xiaomi का हैंडसेट में जो चौथा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक Xiaomi का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम है। Xiaomi के फ़ोन में आपको डे लाइट फोटोग्राफी तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, लेकिन लो लाइट फोटोग्राफी Xiaomi के फ़ोन में बिल्कुल ख़राब होते हैं, क्योंकि आप एक बार अगर लो लाइट फोटोग्राफी आप यूज करते होंगे तो आप भी यूज करते होंगे Redmi का Note 5 Pro, MI A1, आप मान लीजिए दोनों ऐसे एक स्मार्टफोन है जिसका कैमरा क्वालिटी मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा है, जो MI A1 का जो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर ये पोर्ट्रेट मोड को आप थोड़ा बहुत लो लाइट में ट्राई करके देखिए, MI A1 का जो
पिक्चर क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं होता। हालांकि जो मोटरोला का हैंडसेट होता है, सैमसंग का हैंडसेट होता है, इसमें आपको जो एपिचर मिलता है F1.7 का मिलता है, इसलिए आपको लो लाइट फोटोग्राफी सैमसंग के, मोटरोला के, लेनोवो के, हॉनर के थोड़ा बहुत आपको बेटर देखने को मिलता है। लेकिन जो सामी का हैंडसेट होता है आपको लो लाइट फोटोग्राफी बिल्कुल भी खराब मिलता है। और सामी के हैंडसेट में एक और प्रॉब्लम होता है, सामी के फ़ोन में जो कैमरा क्वालिटी होता है दूसरे स्मार्टफोन के हिसाब से कम्पीट करने के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हालांकि सामी का अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ा बहुत सुधरने लगा है, MI A1 का जो बैक कैमरा बहुत ही अच्छा था, अभी रेडमी का नोट 5 प्रो में भी फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन सामी के हैंडसेट में आप ये नहीं बोल सकते कि सामी के हैंडसेट कैमरा क्वालिटी के बारे में बिल्कुल टॉप है। कैमरा क्वालिटी के बारे में सैमसंग और मोटोरोला कहीं ज़्यादा बेटर हैं सामी से। आपको चार प्रॉब्लम बता दिए, अब बारी आती है मैंने पांचवा प्रॉब्लम आपको बताने की। अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं या सैमसंग का फ़ोन खरीदने वाले हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, सैमसंग का फ़ोन में आपको जो सर्विस सेंटर होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। हालांकि सैमसंग इतना ज़्यादा इतना दावा करता है कि हमारा सर्विस सेंटर ऐसा है लेकिन आप अगर सैमसंग का फ़ोन यूज करते होंगे, कभी सर्विस सेंटर गए होंगे तो आपको पता होगा सैमसंग के हैंडसेट में जो सर्विस सेंटर का जो फीडबैक होता है इतना अच्छे से आपको नहीं मिल पाता। हालांकि मैं ज़्यादातर चाइनीज़ स्मार्टफोन की जो सर्विस सेंटर में बात करता हूँ या सर्विस सेंटर में फ़ोन को लेकर जाता हूँ, मैं अभी जो हॉनर का सर्विस सेंटर, मैंने जो स्क्रीन टूट गया मेरे 18,000 रुपीज़ का फ़ोन का ठीक करने के लिए तकरीबन मुझे 6,500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अगर आप एक साउंड के हैंडसेट यूज कर रहे होंगे, हालांकि उनका सर्विस सेंटर तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप एक स्क्रीन टूट जाता है तो जो कॉस्ट आता है जो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आता है। मान के चलिए अगर आप एक रेडमी का नोट 5 प्रो यूज कर रहे हैं, आपको 15,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है, आप उसको अगर ठीक करने जाएंगे तकरीबन आपको जो सर्विस सेंटर वाले होंगे सिर्फ से आपको 5,000 रुपीज़ तक आपको चार्ज कर लेते हैं। मतलब आप मान के चलिए 33% आपको सिर्फ एक स्क्रीन में आपको चार्ज कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वालिटी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो सैमसंग का मोबाइल होता है उनका आफ्टर सेल सर्विस इतना अच्छा नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको जो टॉप 5 प्रॉब्लम बताए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टॉप 5 प्रॉब्लम कैसा लगा। मुझे लगता है आपको जो टॉप 5 प्रॉब्लम मैंने बताए आपको भी ये डे टू डे लाइफ में जरूर फेस करना पड़ता होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। मैंने जो टॉप 5 प्रॉब्लम बताए, आप कौन सा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए। वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन खरीदना चाहते हैं यानी आपका दोस्त भी खरीदना चाहता है तो ये वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।